जगह देखेंगे आप तो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ये टेनिस मॉल, और ये फाउंटेन तो उसके सामने बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से सनसेट और फिर ऐसा मौसम, बहुत रेयर मोमेंट होता है कि ऐसा सारी वाइब्स अगर मैच करें तो। ये हिटमैन बैंक, तो आज हम जा रहे हैं मैं बास भाई के साथ इंदौर, वन डे ट्रिप है, पूरा इंदौर घूमेंगे, ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी हम आए हैं ये हलालपुर बस स्टेशन पे, यहाँ पे से अब चार्टर्ड नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक बस से जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक अभी चालू हुई और कभी बैठे नहीं है, रैपिडो से लग कर आए थे हम दोनों। चलो वही अब यहाँ से जा रहा है माल भाई, तो बिल्कुल शोकर उठ करा है, कंगा भी नहीं करा है, और हमने टिकट कर दिए हैं अभी, और थोड़ा कुछ खाना वगैरह करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। 10:30 बजे की हमारी बस है, इलेक्ट्रिक बस से जाएंगे हम। पेट ही खा रहे हैं अभी हम, क्योंकि सुबह कुछ भी नाश्ता नहीं करा है। और ये आ गई हमारी बस, जो कि बहुत शानदार लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। और भाई हमारी बस चल पड़ी है, और इलेक्ट्रिक बसेस तो पता भी नहीं चल रहा कि स्टार्ट है, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा। देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया, इतना बड़ा गार्डन देख के। बस में तो ये है कि टोटल सोने पीने का माहौल बना हुआ है, अभी तक 12 बज रहा है और हम लोग डोडी क्रॉस कर चुके हैं। हमारे भाई को नींद आ रही थी तो उनको उठा के बाहर लेकर आए, हम लोग पहुँचे पप्पू के ढाबे पे, जो इंदौर से पहले पड़ता है, पप्पू का ढाबा। अगर आपने मेरी मुंबई वाली व्लॉग देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग पप्पू के ढाबे पे आए थे, जो अंदर से पूरा मॉल की तरह दिखता है, वही दुकान है जहाँ पे मुंबई के लिए हमने वो लिया था। हाँ याद दिला दो, 4 महीने पुरानी बात। होटल पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो हमारे जो मास भाई हैं इल्यूमिनाटी के बहुत बड़े फैन हैं, तो इल्यूमिनाटी से मेरी दरख्वास्त है इनको प्लीज़ रिक्रूट कर लें, ये अभी जॉब की सर्च कर रहे हैं। और इसी के साथ हम इंदौर पहुंच चुके हैं, पूरी प्रॉब्लम में हम उतरने वाले हैं बाहर। और ये हम लोग न्यूगो के लॉन्च पर उतर चुके हैं, यहाँ से अब आगे गाड़ी जाएगी नहीं, यहाँ से अब पहले रैपिडो करके हमें गाड़ी देने के लिए रेंट पर जाना पड़ेगा, वो 7 किलोमीटर है यहाँ से। हम खड़े हुए ग्रेविटो मॉल के सामने, कैमरामैन अबू उस्मान के साथ, विजयनगर इंदौर भोपाल, भोपाल नहीं इंदौर। ये भाई ने रैपिडो बुक कर, रैपिडो से मतलब अरे ऑटो बुक कर रहा है, इंदौर आने वाले इंदौर को बुक कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा आधा दिन तो ऐसे निकल गया है। पिन नंबर बताओ भाई। भाई सीन ये है कि हम गाड़ी लेने आए थे लेकिन यहाँ पे गाड़ी का रास्ता नहीं मिल रहा, कन्फ्यूज़न हो गया, तभी उसने लाइव लोकेशन भेजी है, हमारा ऑटो तो चला गया, पैदल पैदल जा रहे हैं हम लोग। वो देखो वो ढीला ढक्कन कितने धीरे धीरे आ रहा चल के। भाई जल्दी आ जाओ ना, आपको कभी भी बाइक रेंट पे चाहिए हो तो यहाँ पे आ जाएं, सेल्फ ड्राइव के नाम से है यहाँ पे कबीर मोटर्स के अंदर, आपको वीकेंड पे 600 पड़ेगा और बाकी वीकेंड के अलावा 500 रुपये पड़ेगा, और 1000 रुपये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ेगा, वो रिफंडेबल रहेगा। भाई पानी पानी गिरने लगा जैसा लग रहा है, ये हमारी गाड़ी की फॉर्मेलिटीज़ तो हो गई है, अब गाड़ी लेके निकलते हैं, देखते हैं 3 बजे तक। भाई जगह बता दो कोई सी जो अच्छी हो यहाँ पे। पानी आ गया। तो हम लोग अभी आए थे नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम बस मस्जिद के अंदर एंटर हुए और पानी गिरना शुरू हुआ। खैर पानी तो अब रुक गया है, हम लोग फ्रेश हो गए हैं, अब थोड़ा घूमेंगे, 3 बज रहा है, पानी गिर के थोड़ा सा मौसम भी कूल डाउन हो गया है, और बहुत शानदार घूमने लायक मौसम हुआ है इंदौर में भी। अब आप बने रहिए, मैं आपको पूरा इंदौर घुमाऊंगा, चश्मा अजीब सा लग रहा है। मौसम ने ऐसे करवट बदली है, यहाँ पे पहले धूप थी लेकिन अब छांव हो गई है और बारिश भी रुक गई है। और ये हम चल पड़े हैं पूरा इंदौर घूमने, हमारे जाकिर भाई के शहर में। बिल्कुल मैं आपको राय दूंगा कि कभी भी आप इसी जगह पर आए, 500-600 रुपये खर्च करें बस और गाड़ी ले लें। अरे भाई ओए चीटे उड़ा दिए उसने, लेकिन अच्छे हुए ये वैसे वाले चीटे, कीचड़ वाले चीटे नहीं, तो पानी वाले चीटे थे, नहीं तो फिल्म बन जाती है अभी पूरा घूमने की। हाँ तो मैं कह रहा था कि आप जब भी आएँ गाड़ी ले लें, फुर्सत हो जाती है यार उससे, ओला रैपिडो का कोई चक्कर नहीं, अपना गूगल मैप डालो उसी टाइम निकल गए जहाँ भी जाना हो। भाई इंदौर का मौसम तो बहुत ही शानदार हो रहा है, आप देख सकते हैं ये इल्यूमिनाटी मास भाई को हर जगह दिख जाते हैं। आप मौसम देखिए इतना शानदार मौसम हो रहा है, हम तो डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार धूप हो रही है और पानी गिर रहा है, अब कैसे घूमेंगे।
हो गया कांड, हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो, इंदौर वालों को पता नहीं लाद लगाना क्या होता है। भाई से मैंने बोला है लगाने के लिए, भाई लगा देंगे तो अच्छी बात है। भाई लगा लोगे ना? आगे करो थोड़े से, अभी इधर कर, इधर माधव भाई बहुत सही काम कर रहे हो तुम भी। भाइयों ने काफी मदद कर दी लात लगा के, इंदौर में तो आके उम्मीद छोड़ दी थी हम लोगों ने। खैर रेंट पे जब भी गाड़ी लें आप सबसे पहले पेट्रोल डलवाएं उस पे, क्योंकि वो लोग गाड़ी खड़ी करके हमेशा खाली रखते हैं। इंदौर में सब लोग भाइयों की तरह अच्छे नहीं होते। सकते हैं वो भाइयों ने लात लगा दी थी, लेकिन हमारे माधव भाई अब मिशन पर है, लात धक्का लगाते हुए ले जा रहे हैं गाड़ी को। आप देखिए हमारे भाई को, जल्दी से रोड क्रॉस कर देता हूँ। कमॉन माधव भाई, कमॉन कमॉन, वो धक्का लगा देता हूँ भाई तुम्हें। अरे भाई चलाओ ना, धकाता हूँ। अरे यार माधव भाई यार, तुम क्या गुंडा बनोगे यार, जाओ यार। पानी आ गया यहाँ पे तो इसलिए मैंने धक्का दे दिया उसके आगे, लेकिन फन हो गया यार इंदौर में हमारे। सवा तीन हो गया और हम 56 दुकान के बाहर से वापस आ गए क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। फाइनली गाड़ी हो गई स्टार्ट, हमारे माधव भाई ने स्टार्ट भी कर ली। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग हमारी 56 दुकान की ओर। भाई एड्रेस तो डाल दो, लोकेशन तो डाल दो गूगल पे। फाइनली हम लोग 56 दुकान आ गए हैं बामुश्किल। टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है और अब जाके देखते हैं अंदर कैसा क्या माजरा है, कैसा क्या हो रहा है। ये 56 दुकान का सेंस मुझे अब समझ आया, ये एक से लेकर वहाँ तक पूरी 56 दुकानें ही हैं, तो बाकायदा नंबरिंग भी है। देखो मैं तो पहली बार आ रहा हूँ जो आ चुके हैं। हमारे माधव भाई इससे इंस्पायर हो गए, बाहर से ठंडा, बाहर से गर्म अंदर से ठंडा आइसक्रीम पकौड़ा। अब माधव भाई लाइन में खड़ा हुआ आइसक्रीम पकौड़ा लेने के लिए। माधव भाई ऑर्डर तो दे दो भाई, आइसक्रीम पकौड़ा मिलेगा क्या देखो तो पहले इनसे पूछ लो ना यार, इतना शर्मा क्यों रहे हो यार भाई। ब्राउनी टाइप का कहाँ है कूल अंकल, कूल अंकल की दुकान कौन सी है, यही है ना इनसे पूछ। अरे इधर आओ यार भाई, आइसक्रीम पकौड़ा आपके किधर मिलेगा, कितने का है एक दे दो भाई, हम रिव्यूज देंगे आपको खा के कैसा है ये। माधव भाई इतने अनोखे आदमी है, उसने ये इतने दिल से ला के दिया, उनके हाथ में माधव भाई का रिएक्शन था ये। हाँ माधव भाई कैसा है? ठीक है, एवरेज है। ठीक है, अंदर से गर्म, बाहर से ठंडा है, गर्म करें ठंडा ही। अंदर आपको वनीला मिलेगा अंदर इसके, है ना? आपने डायलॉग सुना होगा उसका। अरे बस 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 भाई बस बस, ये भाई ये पारिवारिक ब्लॉग है ये। इनका नाम दिखा दूं मैं आपको, दंका पानी पूरी और पानी पूरी लवर थे ये, ठीक है याद रखें। ज़रा मेन्यू देखते हैं एक बार, मेन्यू पे नज़र मारते हैं इनके। माधव भाई दही पूरी ले, दही पूरी, दही पूरी चाट या दही पूरी, वैसे दही पूरी है तो दही पूरी लेते हैं हमारे माधव भाई। अब दही पूरी टेस्ट करके भी उसका रिएक्शन देंगे, बड़े शाही घर के हैं, चम्मच से खा रहे हैं दही पूरी को अभी। ओ उसमें मत गिराना, उसमें मत गिरा, उसमें मत गिराना, उसमें मत गिराना भाई, अबे प्लेट अलग कर भाई, उसमें मत गिराना। अच्छी है ए? अभी हमारे पास एक दादा आए थे, उन्होंने एक ऑफ़र बताया कि 56 रुपये में कुछ भी, और यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे 56 रुपये में आपको कुछ भी मिल जाएगा, कुछ भी से मतलब ये है कि पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन मोमोज वगैरह सब 56 रुपये में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं टेस्ट करके बताऊँगा आपको कि जो 56 रुपये था वो वर्थ था भी या नहीं था। ये हमारी चाउमीन जो मैंने मंगाई थी 56 रुपये की, वो आ गई है, फिर महंगी हो क्वांटिटी भी कम है, बस खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। भाई मौसम तो एक नंबर हो रहा है यहाँ पे, और जो मैंने नूडल्स का आपको बताया था यहाँ पे 56 दुकान का, ठीक थे, अच्छे थे, मतलब अगर मिसाल देनी हो तो जैसे शादी में अपन नूडल्स खाते हैं वैसे ही थे, बस उससे थोड़े से अच्छे थे। भाई हमारी मंजिल हो गई है सराफा बाज़ार, जो है 4.3 किलोमीटर दूर यहाँ से। मौसम हो रहा है इतना शानदार के बता नहीं सकता मैं, मनाली क्या लगता होगा यार, इतना शानदार मौसम हो रहा है। ये जो हम सराफा बाज़ार पे पहुंच चुके हैं, ये तो बिल्कुल हमारे भोपाल के चौक जैसा हो रहा है माहौल यहाँ पे, टोटल चौक वाली वाइब्स है यहाँ पे, और बिल्कुल इंपैक्ट लग ही रहा है कि हम चौक में ही हैं, ये इंदौर का चौक है, लेकिन यहाँ पे ये फन वाली जगह लग नहीं रही, तो अब हम कुछ बेहतरीन सा मेन कोर्स नहारी वगैरह खाने जाएंगे। हमारा सराफा बाज़ार तो खैर कुछ मज़ा नहीं आया, अभी एक होटल देखी मैंने दिल्ली दरबार, वो थोड़े से पास है यहाँ से, तो वहाँ पे कुछ मेन कोर्स खाएंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, फिर फिनिक्स मॉल जाएंगे हम। तो थोड़ा सा एरिया चेंज हुआ है, अब थोड़ा सा टोटल चिकन बड़ोदा मटन वाले इलाके में आए हैं हम। यहाँ पे बिरयानी के ठेले खूब शानदार हैं, जिससे थोड़ी एनर्जी मिल रही है देख के मुझे, और अब खाएंगे कुछ नॉन वेज वगैरह।
पेड़ का सामना करना पड़ा। तहरीर है और ये इसमें ना दही नहीं है, तो बिना दही के बिरयानी के इलाके तो हम तहरीर खाने आए हैं। बस जरा उनका ट्राई भी ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था, यहाँ तो मज़ा नहीं आया। यहाँ पे आना था सहारन रोटी वाले पे हमें यार। हाँ अब तुम जा रहे हैं जरा नमाज़ पढ़ने, नमाज का टाइम होगा, यहाँ तो रमजान की युक्ति अभी से बढ़ रही है। अभी युक्ति बढ़ रही है। ये है मस्जिद। तो भाई हम आ गए नमाज़ पढ़ के, माल भाई भी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, काफ़ी रिलैक्सिंग टाइम हो गया था भाई। उसको देखिए टी शर्ट पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बहुत बड़े क्या बोले हैं माल भाई के लिए, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास तो। भाई अब हम निकल गए हैं सिटाडेल के लिए फिनिक्स वाले, और मौसम देखिए पीछे दो बार आ गए एकदम भयंकर बादल। आज सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छी चीज़ रही आज पूरे दिन की वो था मौसम, और अभी भी इतना शानदार हो रहा है मौसम। भाई ये आ गया हमारा फीनिक्स सिटाडेल। भाई यही है पार्किंग अंदर। भाई बीच रोड पे मत रोको माल भाई, बहुत सीधा आदमी है तुम भी। भाई ये मॉल तो बहुत ही शानदार लग रहा है, अंदर से भी बाहर से भी एक नंबर मॉल बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू डी बी। पता चलते हैं तो डी बी से कंपेरिजन करेंगे इसका। कुछ भी कहो भाई बना तो एक नंबर है मॉल, वेरी ब्यूटीफुल, चमचमाता, मतलब डीबी से तो अच्छा है और मैं ऐसे मॉल कभी गया नहीं आज तक। जिस तरीके से बाहर से खूबसूरत है उसी तरीके से अंदर से भी खूबसूरत है, और एक से बढ़कर एक हर ब्रांड के आपको यहाँ पे आउटलेट मिलेंगे। भाई को फोटो खिंचवाना है, फोटो की प्यास आ गई भाई को। हाँ कैसे खींचना एंगल बता दो, देखो भाई एंगल सेट करके देते ऐसे खींचना। वाह यार, नहीं यार झूमर तो देखो साहब आप। ओ नाइस नाइस वेरी नाइस, ये फोटोग्राफ। और ये सबसे टॉप फ्लोर पे डीवी की तरह फूड कोर्ट है, यहाँ पे बैंकर फूड कोर्ट है, बहुत ही बैंकर। और यहाँ तो बैंकर हाउसफुल चल रहा है अगर आप देखें तो। यहाँ पे वही बर्गर किंग है, रोल किंग है, कुछ चीज़ें पहचानी हुई हैं, कुछ ऐसी ना अनजान हैं जिनको कभी जानते नहीं हैं। ये हैं हम और माज भाई, हम दोनों सुबह से ऐसे भटक रहे हैं। बस अब हमने बहुत घूम लिया है ये फिनिक्स मॉल, कुछ ख़रीदना तो है नहीं क्योंकि इतने पैसा ही नहीं है, तो जा रहे हैं अब हम बाहर। आपको दिखाते हैं म्यूजिकल फाउंटेन और फिर वहाँ से निकलते हैं हम लोग घर। ये पूरा पार्किंग अंदर से लेकर बाहर तक इतना शानदार है यार, इतना शानदार है। मौसम भी औसम हो रहा है। माल भाई अपन को इसके मेन गेट पे चलना है, ठीक है याद रखना। ये है यहाँ का फिनिक्स का म्यूजिकल फाउंटेन। देखिए कैसे चेंज हो रहा है वो धीरे धीरे। भाई इतना खूबसूरत था फिनिक्स सिटाडेल के मैं बता नहीं सकता आपको, खास करके उसका जो म्यूजिकल फाउंटेन था वो सनसेट के टाइम ही आने वाला जगह है यार, इतना खूबसूरत के बता नहीं सकता मैं। बहुत फन हो गया आज बहुत ज़्यादा। भाई अब हम जा रहे हैं वापस मस्जिद नमाज पढ़ने, उसके बाद गाड़ी भी वहीं वापस कर देंगे और सीधा बस में बैठ के डायरेक्ट भोपाल। मौसम देखिए अब कितना प्यारा हो रहा है यार, मैं तो सुबह से मौसम ही कर रहा हूँ, बस क्या करूँ आज बहुत अच्छा लगा यार। हम लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, अभी भी 8:30 बजे बस पकड़नी है और उससे पहले गाड़ी देनी है, फिर बस स्टॉप पे जाना है, टिकट लेना है, और 8:40 7:40 हो रहे हैं आप। और माज भाई को अब उनके मैनेजर का फ़ोन आ रहा है तो अब वो मिल रहा है उनसे, मतलब लोगों की हद होती है यार। हाँ तो भाई सीन ये है कि 8:20 हो रहा है, 8:30 बजे की हमारी बस है और टिकट भी बुक नहीं करे और यहाँ से निकले हैं। अब देखो क्या कराते हैं माज भाई, अब क्या चमत्कार होता है बस का। लेकिन फन हुआ, खूब फन हुआ, कुछ भी कहो फन तो खूब हुआ।
हमारी गाड़ी भी कूदी थी यहाँ पे। भाई आप टाइमिंग देखिए कि बस हमने टिकट कराए हैं यहाँ पे और हमारी पिकअप गाड़ी आई है बस तक छोड़ने के लिए। अगर एक मिनट और लेट होते हम तो बस हमारी बस ही निकल जाती और फिर बहुत लंबा डिले हो जाता है एक घंटे का हमारा। तो नाउ आई एम सिटिंग हियर वेटिंग एट दी पिकअप स्टेशन, बस आने वाली है और खाना तो हमारा कुछ हो नहीं पाया तो ये जिमझिम लेना पड़ा। और अगर रास्ते में कहीं बस रुकेगी तो कुछ खा लेंगे, अदरवाइज भाई तो अभी भी फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं हमारे, इतने फ़ोटो खींचेंगे। और आप कभी इनकी स्टोरी देख लेना, ये कभी इतने फ़ोटो डालेंगे ना जितने ये फ़ोटो खींचेंगे। और ये आ गई हमारी बस फाइनली, अब यहाँ से हम निकलते हैं भोपाल के लिए। टाइम हो रहा है 2:02 हैं, चलिए मिलते हैं बस में आपको। फिर से धोखा हो गया, यहाँ पे टाइप सी का कॉर्ड नहीं है, यूएसबी वाला कॉर्ड दे दिया और हमारा चार्जिंग केबल जो है टाइप सी है। बस यहाँ पे ये अच्छा है, टीवी चल रही है उसमें, टीवी नहीं चल रही थी बट इतनी लग्जरी नहीं है जितनी न्यू को लग्जरी थी। सड़ी हुई है माज भाई का कहना है हमारा, इनको चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल। अब चलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं भोपाल के लिए, बहुत अच्छा रहा इंदौर में घूमना। आपको मिलता अगले वॉक में, तब तक के लिए बाय बाय।